माय यूट्यूब फैमिली स्वागत करता हूँ गाइस आज के न्यू वीडियो के अंदर। फिर से आपका भाई लेके आ चुका है एक धमाकेदार एडिटिंग जो आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। इस तरफ एमआर शिवम का जो वीडियो चल रहा है ना गाइस, वो वीडियो देख सकते हो कितना तरह हिल डोल के मूव हो रहा है। तो आज इसी पर हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं, तो चलिए चलते अपने स्क्रीन पे। उससे पहले भाई चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। आप लोग ये पीछे बैकग्राउंड देख रहे हो ना, इस तरह का सेटअप रूम आप लोग भी तैयार करना चाहते हो तो इस वीडियो में आप लोग कमेंट कर देना। हम अगले वीडियो में इस तरह के सेटअप रूम कहाँ से ले आए आप, वो भी फ्री में, तो आप लोग हमें कमेंट कर देना, हम अगले वीडियो में लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए जब तक चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन। तो गाइस तो हम आज के अपने फोन के स्क्रीन पे आप लोगों को भी आ जाना है और कुछ भी नहीं करना है, इन शॉर्ट ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप लोगों को डाउनलोड कर लेना और इस प्रकार से पे जाकर इसे क्लॉप कर देना, ठीक है। अब वीडियो पे क्लिक करना और न्यू पे क्लिक करने के बाद आपका जो वीडियो रहेगा ना उस वीडियो को ले लेना है, ठीक है। हमारा जो वीडियो है हम उस वीडियो को ले लेते हैं, तो हम अपना वीडियो को ले चुके हैं, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर इन शॉर्ट ऐप में आ गया और यहाँ पर देख सकते हो एक ऑप्शन दिखा रहा है ये वाला ना, इस पर क्लिक कर लेना है और ये जो 9.16 वाला जो फ्रेम है ना, ठीक है, इसे लेकर क्रिएट कर देना है। तो देख सकते हो ये फेसबुक या रील के साइज में आ गया और यहाँ पर देख सकते हो एक दिखा रहा है फिल्टर का ऑप्शन, फिल्टर वाले पे क्लिक कर देना और यहाँ पर देख सकते हो एक इफेक्ट का ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है, ये वाला, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा लोडिंग लेगा और ये बेस्ट वाले पे क्लिक कर लेना और देख सकते हो ये जूम वाला है ना, इस पर ले लेना है। तो मैं साउंड कम कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर सुनाई दे, और उसका जो ड्यूरेशन है आप अपने हिसाब से रखना, ठीक है। सॉन्ग जितना हो सके ना आप अपने हिसाब से रखना, ठीक है। तो देख सकते हो ये मेरे सॉन्ग के साथ मैच कर रहा, तो मैं रख लेता हूँ, तो प्ले प्ले करके देखेंगे। तो देख सकते हो फिर से यहाँ से मूव होएगा, तो इसे फिर बेट पे क्लिक करना और ये वाला जो है, ठीक है, क्या आप दूसरा वाला भी रख सकते हो, तो हम ये रख लेते हैं इसका ड्यूरेशन कम करके, तो आप लोग भी रख सकते हो। तो देख सकते हो तो ये भी सॉन्ग के साथ मिला के रखना, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ पर मिलते हैं और फिर से इस पर क्लिक करने के बाद ये जूम आउट वाला जो है, ठीक है, ये ले लेना इस प्रकार से। तो देख सकते हो हमारे सॉन्ग के साथ जो मिल रहा है, तो इसे फुल कर लेते हैं, ठीक है। तो प्ले करके चेक करते रहना है जिससे हमें पता चल सके कि हमारा सॉन्ग कहाँ से कहाँ तक है और किस तरह का सॉन्ग है, ठीक है, उस हिसाब से हमें मिलाना पड़ता है। तो हम ले चुके हैं, तो देख सकते हो यहाँ से सॉन्ग चेंज हो गया। तो फिर से बेट वाले पे क्लिक करना, यही जूम वाला जो है ना, इस बार इसका ड्यूरेशन थोड़ा हाई रखेंगे स्पीड में जिससे हमारे सॉन्ग के साथ मैच हो सके, फिर भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो देख सकते हो हमारा जो वीडियो है ना गाइस, जो बनके रेडी हो चुका है, आप लोग भी इस प्रकार से बना सकते हो। तो मैं आप लोगों को एक बार क्लियर दिखा देता हूँ कि हमारा वीडियो एडिटिंग करने के बाद कैसा लग रहा है। तो देख सकते हो हमारा जो वीडियो है ना वो एम आर सी एम जैसा बन गया। ऊपर में यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ से सेव कर लेना। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।